हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। तो हम इस समय आ चुके हैं फाफा मऊ जंक्शन पे। तो आप लोगों को ये फाफा मऊ जंक्शन दिखाते हैं। हालांकि काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी लंबा भी है, 5 लेन का ये है, 5 प्लेटफार्म इस पे हैं। तो आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं तो पूरे प्लेटफार्म को, फाफा मऊ जंक्शन जो कि है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये प्रयागराज से थोड़ा पहले ये पड़ता है, तो यहाँ पर लगभग मैक्सिमम सभी ट्रेनें यहाँ पर स्टॉप होती हैं। तो चलिए, ये है फाफा मऊ जंक्शन, ये प्लेटफार्म नंबर 1 ये है। यहाँ पर इसके बीच में 3 लाइनें हैं, ये प्लेटफार्म नंबर 2 है और इस साइड है प्लेटफार्म नंबर 3, ये प्लेटफार्म नंबर 3 है और उधर 4 है। हालाँकि काफ़ी काम भी चल रहा है जो कि आप देख सकते हैं, ये बीच में कर रहे हैं, कुछ वर्कर यहाँ पर हैं और ये प्लेटफार्म इधर भी है। काफ़ी लंबा स्टेशन है ये जंक्शन, और उधर ओवर ब्रिज भी है। आगे आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस साइड जो है ये ओवर ब्रिज भी बना हुआ है जो कि ये रेलवे पटरियों को क्रॉस करने के लिए। और काफ़ी लंबा स्टेशन है, लगभग ये होगा हमको 400 से 500 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म है, जो कि काफ़ी साफ सफाई भी है। और यहाँ पर एक निरीक्षण के लिए ये खड़ी हुई है छोटी सी ट्रेन, और ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कुछ बता रहे हैं आप लोगों को। बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद आप सभी को लिए कॉमेडी वाला चैनल आने वाला है। यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया था जो कि इसको क्रॉसिंग करने के लिए, ये हालाँकि काफ़ी पुराना हो चुका है तो इसको बंद कर दिया गया है। और इधर देख सकते हैं आप इस साइड, और यहाँ पर भी एक रेलवे की बोगी खड़ी हुई है जो कि ये भी यहाँ पर काम भी चल रहा है। और एक ये प्लेटफॉर्म है और एक नया वाला जो है ये बना हुआ है, ये यहाँ से वो जो ब्रिज बना है ये बना हुआ है, ये पूरा इधर इस साइड पूरा इधर। तो यहाँ पर ये भाई लोग मौज कर रहे हैं, किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये ट्रेन आ गई, अब हम लोग चलेंगे इससे घर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।